Hello students, in this video we will continue further with Is Matter Around Us Pure, the second chapter of chemistry. Now in the yesterday's video we had looked at what are elements, what are compounds, what are atoms, what are molecules. Okay, now, it is very important that you distinguish properly between elements and compounds, you distinguish well between atoms and molecules. Theek hai? Now today we will continue further. We were then discussing elements. So basically I told you that there are 118 elements out there in the universe. Out of those 118 elements, 92 are naturally available and rest of the elements have been man-made or produced in laboratories. Okay. After that we had also seen that the elements can be classified as metals or non-metals. They can be classified as solids, liquids and gases. So there were only two elements which were in liquid state or which are found in liquid state at room temperature. Kaun se hote hai wo do elements? One is bromine and second one is mercury. Yes. Acha. Then there are 11 elements which are found in gaseous state and rest of the elements are found in the solid state. Correct? उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि सम ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, सम ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, सम ऑफ देम आर मेटलॉइड्स. सो इन्हीं चीजों के बारे में आज अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो आई कैन से दैट मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देन यू ऑल्सो हैव मेटलॉइड्स. ओके ओके. कल लेक्चर के एंड में मैंने बस आपको एक डेफिनेशन बताई थी. मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. नॉन मेटल्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ओके, नाउ इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देर आर सम एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. नाउ ये जो मेटलॉइड्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटलॉइड्स आर समवेयर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स, ओके, लाई बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ओके. सो मेटल्स, मेटलॉइड्स आर बेसिकली दोज एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो है दोज लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स आर यूज टू मेक इंसुलेटर्स. ओके, बट मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटलॉइड्स की जो कंडक्टिविटी होती है, इट इज समवेयर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो दैट इज वाई मेटलॉइड्स आर यूज टू प्रिपेयर सेमी कंडक्टर्स. नाउ एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ठीक है, फाइन. So now what we are going to do now is we are going to distinguish between metals and non-metals. हम लोग इस lecture में metals and non-metals को ही हम लोग discuss करेंगे and metals and non-metals की properties को अब हम लोग compare करेंगे. So सबसे पहले एक एक property से start करता. Okay. So the first property that we will look at is state. So solids or liquids or gases. So when we talk of metals, metals exist mostly in solid state. Okay. सारे metals solid state में exist करते हैं at room temperature. Okay. Exception, which is an exception, do you know that? Okay. There is only one metal that is in liquid state and that is mercury. Mercury का symbol होता है Hg. So mercury is in liquid state. ओके, दिस इज एन एक्सेप्शन. सो आपको एक दो चीजें हमेशा याद रखनी है, एक तो कॉमन प्रॉपर्टीज याद रखनी है. सो जैसे हम लोग स्टेट की बात करें तो मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट. ओके,
बट मर्क्यूरी इज एन एक्सेप्शन. मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. ओके, नॉन मेटल्स की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन मेटल्स, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दे एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड स्टेट और इन गैसियस स्टेट. सो आप सारे नॉन मेटल्स देखोगे तो आइदर वो सॉलिड्स है या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अगेन देर इज एन एक्सेप्शन, देर इज वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. आपको पता है कौन सा? एक तो मर्क्यूरी यहां पे चला गया, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है? दैट इज ब्रोमीन. ओके, ब्रोमीन का जो सिंबल होता है दैट इज Br. सो ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट. सो ये हो गए. सो दिस इज आर फर्स्ट प्रॉपर्टी जहां पे हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंपेयर किया है. मेटल्स नॉर्मली एग्जिस्ट, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी. ऑल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट आइदर इन सॉलिड और गैसियस स्टेट, एक्सेप्शन इज ब्रोमीन. ओके, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. उसके बाद मेटल्स की एक प्रॉपर्टी वो होती है, वो शाइन करता है ना. आप कोई भी मेटल दे दो उसको एकदम, अगर जो बहुत ही उसका सरफेस स्मूथ है, हर एक मेटल शाइन करता है. गोल्ड एंड सिल्वर तो करते ही है, बट मान लो कि यू हैव प्लेन कॉपर वेसल. ओके, इट्स स्मूथ कॉपर वेसल, तो उसका सरफेस भी शाइन करता है. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लस्टर. इसको हम लोग कहते हैं लस्टर. ओके, लस्टर मीन्स शाइन. नाउ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस. ओके, दिल शाइन. आप उस पर अगर जो लाइट डालोगे, आई मीन बेसिकली अगर जो आप पॉलिश्ड मेटल सर्फेसेस की बात करो. ओके, पॉलिश्ड सर्फेसेस शाइन, एंड इसी शाइन को कहा जाता है लस्टर. द सेम शाइन इज कॉल्ड एज अ लस्टर. ओके, सो एग्जाम्पल यू कैन, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शाइन करते हैं ना ये. आप इनके सरफेस को या किसी भी मेटल सरफेस को पॉलिश करो तो उसका जो सरफेस होता है वो शाइन करता है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई ये शाइन किस चीज के वजह से आता है. सी, मेटल्स जो होता है, हर एक एटम जो होता है, हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. नाउ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं दे आर बिगर इन साइज. मेटल एटम्स आर लार्जर इन साइज. नाउ बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिलेटिवली लेस. Force of attraction is less. Okay. Now because ये force of attraction कम होता है तो what happens is ये जो electron है ये थोड़ी सी energy gain करके, see there are orbits. Okay. Electron जो होता है वो nucleus के around orbits में revolve करता है. Okay. It revolves in the orbits. हर एक orbit की अपनी energy होती है. I'll draw it over here again. So say for example ये nucleus है, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन मान लो किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बट बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों है? बिकॉज एटम इज लार्ज इन साइज. तो दिस इलेक्ट्रॉन, ये कहीं से भी थोड़ी भी एनर्जी गेन करके ये क्या करता है, दिस इलेक्ट्रॉन इट गोज इन टू अ हायर ऑर्बिट, न्यूक्लियस से और दूर चला जाता है. सो यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पे. ओके, नाउ इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ ये जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट अगेन कम्स बैक, ये एक्साइटेड हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा,
कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी लूज करके वापस नीचे वाले स्टेट में, नीचे वाले एनर्जी लेवल में, नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाले स्टेट में आता है तो इट एमिट्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसलिए आपको ऐसे लगता है मेटल्स शाइन कर रहे हैं, मेटल्स आर लस्टरस। ओके, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब एट योर नाइन्थ स्टैंडर्ड लेवल दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, ये शाइन क्यों करता है? सो शाइन बस इसलिए करते है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली हेल्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज दिस, मैं इसको कहूंगा लूजली हेल्ड। ओके, एंड बिकॉज दे आर लूजली हेल्ड दे कैन इजिली गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट से वेन दे अगेन कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट दे विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, सो दैट इज वाई वी से दैट मेटल्स आर लस्टरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर कोई लस्टर नहीं होता, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। दे आर नॉन लस्टरस। नाउ देर इज एन एक्सेप्शन ओवर हियर, आयोडीन जो होता है, आयोडीन इज अ हैज अ लस्टर। ओके, एक्सेप्शन आपको याद रखना है, आयोडीन हैज लस्टर। ओके, जैसे मेटल शाइन करता है वैसे आयोडीन के क्रिस्टल्स भी जो है वो शाइन करता है। ओके, बाकी सारे नॉन मेटल्स के अगर जो आप क्रिस्टल्स देखोगे तो दोज आर डल, उनका अपियरेंस जो होता है दैट अपियरेंस इज डल। अपियरेंस इज डल ओके फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, सो यहां पे जो है वो सेकेंड प्रॉपर्टी खत्म होती है। नाउ वी विल गो ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स इन द केस ऑफ मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, वेरी हाई इन मोस्ट ऑफ द मेटल्स। फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आयन, सो करीबन आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयन इज अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप एल्यूमिनियम का लोगे तो इट इज अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो मेटल्स होते हैं ये हाई दे कैन इजीली विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। नाउ रीजन क्या होता है, द रीजन इज दिस, मान लो ये एक मेटल एटम है, दिस इज अनादर मेटल एटम, दिस इज अनादर मेटल एटम। Now, between any two metal atoms, the force of attraction is very, very strong. Let me write over here. The force of attraction. आप लोगों को याद है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था। हमने कहा था कि सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड्स के केस में थोड़ा कम हो जाता है, गैसेस के केस में और कम होता है। So the force of attraction in the case of solids, in the case of basically metals, force of attraction between metal atoms is very high. Okay, इस force of attraction को हम लोग कहते हैं metallic bonding. And ये जो metallic bonding होती है it is very strong, is very strong. बिकॉज ये मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि मेटल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई, एंड बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सो ये जो मेटल एटम्स होते हैं दे प्रेफर टू रिमेन टूगेदर, ये साथ में ही रहता है, एंड बिकॉज ये साथ में रहते हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज वेरी वेरी हाई। ओके, ऑब्वियसली देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, सो द एक्सेप्शंस आर
सोडियम, ओके, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दे हैव गॉट लोअर लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, गैलियम, इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज वेरी वेरी लेस, ओके. इनफैक्ट गैलियम का तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर जो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस पे गैलियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ओके. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम, सो ओके, सो इंडिया में समर्स में गैलियम लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. आपको आया समझ में? सीजियम इज अनदर एग्जाम्पल विच हैज गॉट अ लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके. बट मोस्ट ऑफ द अदर, इफ यू लुक एट मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स, यू वुड रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द अदर मेटल्स हैव गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और अ बॉइलिंग पॉइंट, ओके. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता. फॉर नॉन मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटिवली लो. Because force of attraction between the atoms and molecules is this. Okay? Force of attraction between the atoms and molecules is this, and that is why the melting point and boiling point of non-metals is relatively low. उनका melting point जो होता है वो कम होता है, okay. Examples या exceptions है यहाँ पे, so obviously यहाँ पे जो exception है that is carbon. Carbon का जो एक form होता है that is diamond. Diamond is nothing but carbon and silicon. They have got a very high melting point, okay. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. द रीजन इज बिकॉज कार्बन एंड सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है, ओके, उस क्रिस्टल के अंदर कार्बन एटम्स एंड सिलिकॉन एटम्स आर वेरी स्ट्रांगली हेल्ड, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से हेल्ड होते हैं. इनके जो एटम्स होते हैं कार्बन के एटम्स या सिलिकॉन के एटम्स, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रांग. And because force of attraction is very very strong, carbon and silicon have got high melting points. Okay, so these are the exceptions. Normally non-metals जो होते हैं, non-metals का melting point and boiling point जो होता है that is relatively this. Okay, अच्छा, अब उसके बाद हम लोग next property पे जाते हैं, that is density. Now when we talk of density, metals जो होते हैं, metals have got high density. Metals have high density. Okay. Metals की जो density होती है that is significantly high. Now metals की density बहुत ज्यादा होती है. Now what does density tell us? See, density ज्यादा होती है तो we say that it is a heavier element. Heavier element. Okay. Now, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो डेंसिटी ज्यादा है ना, तो इवन इफ यू हैव स्मॉल पीस ऑफ, आई गिव यू, लेट्स टेक टू एग्जाम्पल्स. मान लो यू हैव स्मॉल पीस ऑफ मेटल एंड यू हैव स्मॉल पीस ऑफ वुड, ओके, एंड दिस इज मेटल. ना मेटल अगर जो आप दोनों को उठा के देखोगे तो वॉट यू वुड रियलाइज इज कि मेटल जो है वो आपको हैवी लगेगा ना, इसलिए तो जिम के अंदर जो सारे वेट्स होते हैं वो आयरन के वेट्स होते हैं, लकड़े के वेट्स नहीं होते ना. ये होते तो आपको मतलब सब कुछ एकदम हल्का लगता. सो विच मीन्स मेटल्स हैव गॉट हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी मीन्स दे आर हैवियर, दे आर हैवी इन नेचर, ओके. अगर जो आप मेटल्स को पानी में डालोगे तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स विल सिंक इन वॉटर, ओके. So metals have got high density. Obviously यहां पे exceptions है, okay. The exceptions are sodium, potassium,
sodium, potassium, then you have calcium, magnesium. इनकी जो डेंसिटी होती है दैट इज रिलेटिवली लेस. ओके, दे हैव गॉट लेस, दे आर लेस डेंस. ओके, मर्क्यूरी फॉर एग्जाम्पल, इवन दो इट इज अ लिक्विड, इट इज वेरी वेरी हैवी. मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है, ओके, इट इज 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वॉटर ओके, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वॉटर. आपका नॉर्मली जो वॉटर बॉटल है वो 1 लीटर बॉटल होता है. ओके, इसमें जब आप पानी भरते हो तो ये बॉटल का जो वेट होता है दैट इज 1 kg. ओके, ना मान लो आपके पास 1 लीटर बॉटल है एंड इसमें आप यू हैव, लेट्स से दिस इज 1 kg वॉटर, 1 लीटर बॉटल. When you add water to it, तो ये इसका मास जो हो जाता है 1 kg. But इसमें मान लो if you put mercury and ये आपका 1 liter का बॉटल है, okay, this becomes 13.6 kg. मतलब 13.5 ऐसे बॉटल्स को आप एड करोगे तब जाके उनका वजन ये एक बॉटल जितना होगा. और इन अदर वर्ड्स, एक 3-4 साल का बच्चा होता है ना, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे का वजन इतना ही होता है करीबन, 13.5 kg. ओके, तो 1 liter ऑफ मर्क्यूरी बॉटल इज एज गुड एज पिकिंग अप और लिफ्टिंग अ 3-year-old बेबी. ओके, सो मर्क्यूरी इज दैट मच हैवी. ओके, फाइन. सो आपको ये समझ में आया, मर्क्यूरी इज अ मेटल एंड इट इज वेरी वेरी हैवी. मर्क्यूरी की डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है. देर आर फ्यू एक्सेप्शन, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इनकी जो डेंसिटी होती है दैट इज रिलेटिवली लेस, दे आर लेस डेंस. ओके, बट मोस्टली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव रिलेटिवली लो डेंसिटी. So they are lighter elements. ठीक है, हल्के होते हैं ये नॉन मेटल्स जो होता है वो हल्के होते हैं. ओके, बट ऑब्वियसली देर इज एन एक्सेप्शन. द एक्सेप्शन इज अगेन डायमंड. डायमंड इज एक्सट्रीमली हैवी. डायमंड बहुत ज्यादा हैवी होता, प्रिटी हैवी. ओके, डायमंड इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था. So, non-metals have a low density, but the exception is diamond. Diamond is dense, okay? Diamond is nothing but carbon. अच्छा, इसके बाद आता है conductions. Conduction. Now, when I talk of conduction, basically, whether metals are good conductors or bad conductors, or when we talk of conduction, इसमें दो चीजें आएंगी. एक तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड वन इज कंडक्टिविटी ऑफ हीट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स. दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स. ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Okay. Now, why are they very good conductors of heat and electricity? The reason is simple. कि कोई भी अगर जो आप मेटल देखते हो, मान लो कि एक मेटल ब्लॉक है. Now, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था. If you remember this, metals के अंदर ये जो electrons होता है, these electrons are loosely held. The force of attraction between the electron and the nucleus is very, very less. Force of attraction is less. Now, because this electron is loosely held, आप इस इलेक्ट्रॉन को एटम से आराम से बाहर निकाल सकते हो. तो क्या होता है कि whenever you have a metal block, इस metal block के अंदर you will have lots of free electrons. Okay.
एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, फॉर कंडक्शन. जैसे आप कुकिंग पैन्स देखोगे तो उनका जो बेस होता है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, बिकॉज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर. या फिर आप वायर्स देखोगे, वायर्स इज मेड अप ऑफ कॉपर, सो विच इज अगेन द रीजन इज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आप सिल्वर देखोगे, सिल्वर इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ कंडक्शन, मेटल्स आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर. ये कंडक्शन क्यों होता है? कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेटल्स. मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. ओके, फाइन. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन मेटल्स, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द रीजन इज सिंपल, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो नॉर्मली इससे नॉन मेटल्स जो है वो कंडक्शन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं. ओके, बट ऑब्वियसली देर आर एक्सेप्शन ओवर हियर. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राफाइट जो होता है, ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल. ओके, ये नॉन मेटल होता है एंड ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अनदर एग्जांपल इज डायमंड. डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफरेंस बेस्ड ऑन द कंडक्शन. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द एक्सेप्शंस आर ग्राफाइट एंड डायमंड. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं समथिंग कॉल्ड एज डक्टिलिटी पे. एंड सेकेंड पॉइंट आता है मैलिएबिलिटी. व्हेन आई से डक्टिलिटी मतलब किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सो हमें ये पता है ना मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. सो डक्टिलिटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, थिन वायर्स. ओके, एंड मैलिएबिलिटी जो होता है इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इंटू शीट्स, प्लेन शीट्स जो होती है ना, मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इंटू शीट्स. ओके, सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इंटू वायर्स. ओके, एंड मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इंटू शीट्स. ओके, नाउ यहां पे मेटल्स जो होता है, मेटल्स आर बोथ मैलिएबल एंड डक्टाइल. मेटल्स जो होता है they are malleable and ductile. Okay, so say for example, gold, आप gold से ornaments बनाते हो, आप पतले पतले gold से shapes बनाते हो. Okay, आप thin gold के wires लेते हो,
नाउ द रीजन इज बिकॉज कि गोल्ड टूटता नहीं है. ओके okay, आप गोल्ड को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. सिमिलरली कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, सो दैट इज व्हाई कॉपर वायर्स होती है. तो एग्जांपल इज गोल्ड, सिल्वर, दे आर मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट्स. ओके दे आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, मोस्ट डक्टाइल. ओके सिमिलरली आप मेटल्स को बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सो से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ ब्लॉक एंड इस ब्लॉक को आप हिट करते जाओ हैमर से हिट करते जाओ, इवेंचुअली दिस इज व्हाट विल हैपन ना, ब्लॉक जो है ये पतला हो जाएगा और शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लॉक टूटेगा नहीं. सो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि जहां पे आप इस ब्लॉक को शीट में कन्वर्ट करते हो, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी. एंड मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर बोथ डक्टाइल एंड मेटल्स आर ऑल्सो मैलिएबल. ओके एग्जाम्पल यहां पे मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि एल्यूमिनियम फॉइल. एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ही पतला सा होता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल. ओके सो दैट इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ मैलिएबिलिटी. ठीक है, सो मेटल्स आर बोथ मैलिएबल एंड डक्टाइल, बट व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल. नॉन मेटल को आप हिट करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे. सो नॉन मेटल्स विल ब्रेक, दे आर नॉट मैलिएबल एंड दे आर नॉट इवन डक्टाइल. ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आपको ये बहुत सारी जो चीजें हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में वो समझ में आ चुकी है, आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं. ओके सो वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर. फाइन, ओके, थैंक यू.